तो यहां पर पहला जो फॉर्मूला है वो ट्रिम, यहां पर मेरा नाम लिखा हुआ है, दिख रहा है ना ये नाम, हाँ, तो यहां पर ट्रिम लगाएंगे। तो ट्रिम क्या करेगा, ट्रिम माने होता है काटना छाटना, तो यहां पर ये काट छाट देगा, तो ये लगा लिया ट्रिम। और ट्रिम लगाने के बाद ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, एक ओपन करना है, अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए, अब इसको बंद कीजिए, ये इसका सेल एड्रेस है, मतलब ये बता रहा है कि ये सूरज तिवारी जो लिखा गया है वो बी फाइव में लिखा गया है, ठीक है, बी कॉलम है, फाइव रो है, ठीक है। अब एंटर प्रेस कर दीजिए, तो जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो ये बहुत ज्यादा गैप जो है थोड़ा रिड्यूस करके ये हमें दे दे रहा है, ठीक है। इस तरह से हम बात करेंगे अपर की। अब देखो ये सब छोटे लेटर में लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो इज इक्वल टू अपर का फॉर्मूला एक होता है, तो यू डबल पी ई आर अपर लगा लिया हमने, और यहां पर इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ई फाइव इसका सेल एड्रेस आ गया, बंद किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो यहां पे ये अपर केस में आ गया, ठीक है, लोअर केस में लिखा हुआ था, अपर केस में आ गया। यहां पर आते हैं, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, प्रॉपर, प्रॉपर लिखा हुआ है ना, तो देखो पहला अक्षर स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल है, पता नहीं किस स्टाइल में लिखा हुआ है, तो इज इक्वल टू फॉर्मूला स्टार्ट होगा लिब्रा कैल्क में, और यहां पर क्या करेंगे, इसको प्रॉपर बनाने के लिए प्रॉपर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो पी आर ओ पी ई आर प्रॉपर लगा दिया हमने, और प्रॉपर करेंगे और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, कर लिया, आप पूरे पैराग्राफ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो पहला अक्षर कैपिटल बना देगा, बाकी सब स्मॉल बना देगा, तो ये होता है प्रॉपर, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं लोअर पे, देखो ये पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है, तो अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, एल ओ डब्ल्यू ई आर लोअर कर दिया हमने, ठीक है। और यहां पर ये ध्यान रखना कि टैब नहीं काम करता है, ये लिब्रा कैल्क है, तो टैब जैसे दबाओगी तो ये एरर आ जाएगा, तो यहाँ पे इज इक्वल टू एल ओ डब्ल्यू आर लोअर लिख दो, और यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर लो, पहले इसको डिलीट कर लो, उसके बाद इज इक्वल टू एल ओ डब्ल्यू आर लोअर, और ब्रैकेट को ओपन कर लिया, अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो सब लोअर छोटे लेटर में हो जाएगा, देखो ये इसका सेल एड्रेस आ गया, और एंटर जैसे ही प्रेस किया तो सब छोटे लेटर में आ गया, ठीक है। सब फॉर्मूला समझ में आया, ये सारा फॉर्मूला जितना हमने बताया था, देखो ये सारा फॉर्मूला समझ में आया, ठीक है।